सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉय मॉन्स्टर ट्रक फोटो एडिटिंग की, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चलते हैं और करते हैं स्टार्ट बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने पिक्सआर्ट को। जैसे कि पिक्सआर्ट हमारा ओपन हो रहा है, पिक्सआर्ट हमारा ओपन हो चुका है। एंड सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने बैकग्राउंड को। हम अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये हमारा बैकग्राउंड है। फिर हम इसमें ऐड फोटो करके अपने पीएनजी को, जैसे कि ये वाला स्टाइल वाले पीएनजी को सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड में क्लिक करके स्क्रीन करके फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे नीचे के साइड में। एंड देन एडजस्ट होने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। फिर उसके बाद ऐड फोटो में जाके हम ऐड करेंगे अपने मॉन्स्टर ट्रक को। मॉन्स्टर ट्रक को भी एडजस्ट करेंगे। एंड एडजस्ट में जाके ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेंगे, क्लैरिटी बढ़ा लेंगे, हल्की बढ़ाएंगे, बस एंड कर देंगे डन। यहाँ से थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको। ट्रक हमारा हो गया एडजस्ट। एंड देन फिर उसके बाद हम अपने मॉडल को ऐड करेंगे। जैसे कि हमारा मॉडल है, मैंने पहले से इसके बैकग्राउंड से इस फोटो को कट कर लिया है उसकी, मतलब कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कटिंग करना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसको वीडियो को देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इसे एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि मॉडल हमारा हो चुका है एडजस्ट, फिर हम यहाँ से जाकर कर देंगे डन। एंड फिर हम ऐड कर लेंगे अपने शैडो पीएनजी को। एक शैडो पीएनजी को हम ऐड कर लेते हैं और इसे एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। एक शैडो पीएनजी हो गया एडजस्ट एंड कर देंगे यहाँ से डन। एंड देन फिर हम ऐड कर लेंगे अपने बिग बॉय पीएनजी को, जैसे कि ये है। एंड ब्लेंड में जाके स्क्रीन करके इसे कर लेंगे थोड़ा जूम और इसे एडजस्ट कर देंगे फोटो के हिसाब से। क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ से कर देंगे डन। इरेजर में जाके थोड़ा सा जो अपने टी शर्ट के ऊपर हो गया है कलर, उसको इरेज कर लेंगे। एंड कर देंगे यहाँ से डन। जैसे कि फोटो हो चुकी है हमारी पिक्सआर्ट से एडिट, अब इसके कलर रिटचिंग को करने के लिए फिर इसको ओपन करेंगे हम लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो आई चलते हैं इसको ओपन कर लेते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में। जैसे कि फोटो हमारी ओपन हो चुकी है लाइट रूम एप्लीकेशन में, अब हम इसके कलर को करेंगे रिटच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक्सपोजर, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, शेडो कर देंगे थोड़ा लो, वाइट कर देंगे थोड़ा हाई, मतलब 21 कर देंगे, ब्लैक कर देंगे -11। एंड कलर में जाएंगे, वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे बस, और मिक्स में क्लिक करके अब अपने हिसाब से कलर रिटच कर सकते हैं फोटो एडिटिंग के हिसाब से।
एंड कर देंगे डन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाके हल्का सा टेक्सचर बढ़ाएंगे, क्लैरिटी थोड़ा सा, क्लैरिटी को नहीं बढ़ाएंगे, डिग्निटी को कर देंगे लो। मिड पॉइंट कवर कर देंगे एंड राउंडनेस कवर कर देंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में जाके शार्पनिंग बढ़ा लेंगे, नॉइज रिडक्शन बढ़ा लेंगे, कलर नॉइज रिडक्शन बढ़ा के स्मूथनेस बढ़ा देंगे। एंड देख सकते हैं हमारी फोटो हो चुकी है कलर रिटच। फोटो पहले बिन रिटचिंग के ऐसे थी, रिटच करने के बाद हो चुकी है ऐसी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें हमारी वीडियो को, एंड और भी अच्छे अच्छे एडिटिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू।